आगे। तो बच्चों सुनो, खत्म करते हैं चैप्टर। क्या है अब अपना, हम लोगों ने सीरीज रेजोनेंट सर्किट लास्ट पढ़ा है, पैरेलल रेजोनेंट सर्किट नहीं पढ़ा है। पैरेलल सर्किट पढ़ा है, पैरेलल रेजोनेंट सर्किट नहीं पढ़ा। अपने कोर्स में नहीं है तो थोड़ा आइडिया दे देता हूँ, केवल मुझबानी दे देता हूँ। तुम्हें याद है कल हम लोगों ने 1/Z इक्वल टू पैरेलल में, पैरेलल ध्यान से सब लोग रिकॉल करिए जरा, पैरेलल में तीनों पैरेलल में थे, रेजिस्टर इंडक्टर कैपेसिटर, और फिर हमने जेड निकाला था। और इसका जेड क्या है तो कोई याद करेगा, सोचो 1/Z इक्वल टू 1/R² प्लस 1/XL माइनस 1/X का होल अंडर, यही था ना? वन बाई एक्सएल माइनस एक्स का होल स्क्वायर नहीं, 1/XL माइनस 1/XC ब्रैकेट में का होल स्क्वायर, याद है ना? आराम सुनो, सुनो ध्यान दो, अब याद मत करो, अब नहीं याद है तो जो बोल रहा हूँ उसको सुनो। 1/R² प्लस ब्रैकेट में 1/XL माइनस 1/XC का होल स्क्वायर अंडर रूट, सही ना? यस। ये सर x माइनस xl था, 1/XC माइनस, चलेगा चलेगा, स्क्वायर होल स्क्वायर है ना, होल स्क्वायर है ना, तो प्लस कोई भी पहले कोई भी बात नहीं, चलेगा ठीक है ये। अब सुन लो, तो कल हमने सीरीज रेजोनेंट सर्किट पढ़ लिया था। अब सीरीज रेजोनेंट सर्किट में हमने ये पढ़ा था कि जब फ्रीक्वेंसी उस फ्रीक्वेंसी को अप्रोच करती है, किस फ्रीक्वेंसी को? रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी को, तो करंट बढ़ता जाता है और जेड ग्राफ याद है और सर्किट ये वाला याद है, तो करंट बढ़ता जाता है चाहे इधर से चाहे इधर से, है ना, और जेड कम होता जाता है, यही था ना? ये किस में था? सीरीज वाले सर्किट में जब रेजोनेंस हो जाएगा। अब पैरेलल वाले सर्किट में जब रेजोनेंस हो जाएगा तब क्या होगा? तो पैरेलल वाले सर्किट में जब रेजोनेंस हो जाएगा तो इसका मतलब एक्सएल इक्वल टू एक्सी हो जाएगा। तो ध्यान से 1/Z, ध्यान से बच्चों, 1/Z इक्वल टू 1/R² प्लस ये जीरो हो जाएगा, एक्सएल इक्वल टू एक्सी में क्या हो जाएगा? जीरो। जब ये जीरो हो जाएगा तो ये पूरी क्वांटिटी मिनिमम हो जाएगी, और जब पूरी क्वांटिटी मिनिमम हो जाएगी तो 1/Z मिनिमम, तो जेड क्या हो जाएगा? मैक्सिमम। आराम से सुना कि नहीं सबने? फिर से सुनो, 1/Z इक्वल टू 1/R² प्लस ब्रैकेट में जो क्वांटिटी है वो क्या हो गई? जीरो। जब वो जीरो हो जाएगी तो ये पूरी क्वांटिटी क्या हो गई? मिनिमम। तो ये पूरी क्वांटिटी 1/Z है ना, 1/Z मिनिमम मतलब जेड क्या? मैक्सिमम। उल्टा करने पे मैक्सिमम होगा ना, इसका मतलब कि इस कंडीशन में, पैरेलल कंडीशन में, रेजोनेंस की कंडीशन में, रेजोनेंस कंडीशन मतलब ओमेगा इक्वल टू ओमेगा रेजोनेंस यानी रूट 1/√LC कि कंडीशन में जेड क्या हो जाएगा? मैक्सिमम हो जाएगा, जेड मैक्सिमम। और सीरीज में जेड क्या होता था? मिनिमम। तो वहां पे करंट मिनिमम, जेड मिनिमम होने के कारण करंट मैक्सिमम हो जाता था, यहाँ पे करंट क्या हो जाएगा? मिनिमम हो जाएगा। यानी पैरेलल रेजोनेंट सर्किट सीरीज रेजोनेंट सर्किट का एकदम अपोजिट। अपने कोर्स में बहुत ज्यादा नहीं है लेकिन थोड़ा एक स्टेटमेंट बस याद कर लो, सही है? अच्छा, तो ऐसे में करंट मिनिमम हो जाएगा, इतना क्लियर हो गया। अब इसका सिग्निफिकेंस क्या है तो सब लोग सुनेंगे। हम जो मोबाइल यूज करते हैं ना, उसमें सिम जो होता है वो सिम एक, सब लोग ध्यान सुनेंगे, वो सिम एक पर्टिकुलर इंडक्टर और एक पर्टिकुलर कैपेसिटर का कॉम्बिनेशन है, और रेजिस्टर का कॉम्बिनेशन है, इंडक्टर और कैपेसिटर का कॉम्बिनेशन है वो सिम, समझ गए? और एक पर्टिकुलर इंडक्टर और एक पर्टिकुलर कैपेसिटर का अगर कॉम्बिनेशन है तो इसका मतलब उसकी एक पर्टिकुलर रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी है 1/√LC। मेरी बात समझ में आ रही? सुन रहे हैं सब लोग? और फील भी कर रहे हैं ना? सुन रहे हैं केवल सुनने से नहीं, सोचो कल जो पढ़ाया था। तो ओमेगा रेजोनेंस इक्वल टू 1/√LC है ना, एल और सी को फिक्स करोगे तो ओमेगा फिक्स हो जाएगा ना। तो एक फिक्स सर्किट का ओमेगा रेजोनेंस क्या रहता है? फिक्स। इसका मतलब एक फिक्स सर्किट का फ्रीक्वेंसी जिस पे वो रेजोनेंस करेगी फिक्स होता है, समझ गए? क्या हो जाएगी? क्या बोला मैंने अभी, कौन बताएगा जल्दी से? एक पर्टिकुलर सर्किट एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी के लिए हाँ रेजोनेंस कर जाएगी, यानी उसके अंदर करंट क्या हो जाएगा? सही है ना? और करंट मैक्सिमम हो गया कितना हो जाएगा? I नॉट मैक्स,
यानी पीक की मैक्सिमम वैल्यू, पीक की मैक्सिमम, पीक वैल्यू नहीं, पीक वैल्यू की मैक्सिमम, मतलब एम्पलीट्यूड की मैक्सिमम। मेरी बात समझ में आती है सबको? अब मुझे ये बताओ, अगर मैं ये कहूँ कि दुनिया में चारों तरफ फ्रिक्वेंसी फैली हुई है, तुम FM जब चलाते हो तो तुम तो अपने रेडियो को क्या करते हो, ट्यून करते हो ना, पकड़ना तो अपने आप को पकड़ लेता है ना कुछ आवाज, बोलो yes, इसका मतलब कि उसके चार तरफ फ्रीक्वेंसी है yes, चार तरफ फ्रीक्वेंसी yes, और मैं रेडियो की चार तरफ फ्रीक्वेंसी है, मैं रेडियो ट्यून करता हूँ तो एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी पकड़ लेती है। ऐसा नहीं कि जब मैं रेडियो ऑन करता हूँ तब फ्रीक्वेंसी वहाँ चलती है, नहीं ना, यानी चार तरफ वो फ्रीक्वेंसी है और मैं रेडियो वो पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी पकड़ के आवाज़ सुनाते हैं। तो एक्चुअली होता क्या होता ये है कि मैं रेडियो स्टेशन में गाना गा रहा हूँ तो मेरे गाने को स्ट्रॉन्ग एनर्जी वाली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के साथ मिक्स कर दिया जाता है, जिसको मॉड्यूलेशन कहते हैं। क्या कहते हैं? मॉड्यूलेशन। तो मेरी आवाज को इस स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड वाली, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड वाली, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव वाली, यानी ज्यादा एनर्जी वाली वेव के साथ क्या कर दिया जाता है, मिक्स, और मिक्स करके उसको चारों तरफ भेज दिया जाता है। ये रेडियो स्टेशन की बात कर रहा हूँ, कहाँ भेज दिया जाता है, चारों तरफ। अब चारों तरफ भेज दिया जाता है तो कौन भेजता है, ये बिलासपुर का स्टेशन भेजेगा, रायपुर का स्टेशन भेजेगा, कहीं और का भी स्टेशन भेजेगा, सब अपनी वेव चार तरफ ऐसे फैलाएंगे, ठीक। अब इस पूरे रीजन में मेरा एक रेडियो है, वो रेडियो एक पर्टिकुलर कंडीशन में एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी पे रेजोनेंस कर जाएगा। क्या कर जाएगा? तो मैंने ट्यून करके उसकी रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी अपने डिजायरेबल के हिसाब से, जो मैं डिजायर जो मुझे चाहिए फिक्स कर लेता हूँ, तो वो ट्यून करने से मेरे सर्किट, सर्किट कौन है, रेडियो, सुनना स्टोरी सुनना, कि जो फ्रीक्वेंसी है लेट 92.7 FM जो होता है मेगाहर्ट्ज, वो उस पर सेट कर दिया, तो 92.7 मेगाहर्ट्ज वाली जो फ्रीक्वेंसी है वो फ्रीक्वेंसी वो रेडियो लेके और उस आवाज के करस्पॉन्डिंग करंट क्या हो जाएगी सर्किट में, मैक्सिमम, उस फ्रीक्वेंसी के करस्पॉन्डिंग क्या हो जाएगी, मैक्सिमम, लेकिन 92.8 के करस्पॉन्डिंग नहीं, 92.9 के करस्पॉन्डिंग, तो इसका मतलब है कि केवल उस फ्रीक्वेंसी को लेके और ये क्या करने लगेगा, उसको डीमॉड्यूलेट करके, वो क्या किया था रेडियो स्टेशन से, मॉड्यूलेट, रेडियो ने हमारे क्या किया, डीमॉड्यूलेट, डीमॉड्यूलेट मतलब उसमें से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को हटा के फेंक दिया और मेरी आवाज जो थी वो सुना दिया। अरे कुछ समझे? मान लो मैंने अपने रेडियो पर फ्रीक्वेंसी ट्यून करके 92.8 कर दी, तो अब हमारे आसपास की 92.8 की फ्रीक्वेंसी उस रेडियो ने क्या कर ली, कैच कर ली। क्यों कैच कर ली? क्योंकि उसके करस्पॉन्डिंग करंट मैक्सिमम होगी, उसके करस्पॉन्डिंग करंट 92.8 के करस्पॉन्डिंग करंट मैक्सिमम होगी, और 92.8 के करस्पॉन्डिंग करंट मैक्सिमम होगी तो अब 92.8 सिखाए सुनाए देगा। ऐसे फ्रीक्वेंसी बदलते जाओगे तो अलग अलग आवाज सुनाई देती है। रेडियो कैसे काम करती है, समझ में आया? अब तुम सोच के बताओ कि हमारा मोबाइल कैसे काम करता होगा। मोबाइल का जो सिम है उसकी एक रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी है, मोबाइल का जो सिम है उसकी एक अपनी फ्रीक्वेंसी, वो रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी तुमने रखी हुई है और जो भी ऑपरेटर उसको पता है कि तुम किस रीजन में हो, सही? तुम्हारे घर से किसी ने कॉल किया तो वो कॉल किस फ्रीक्वेंसी पे करेगा, तुम्हारी फ्रीक्वेंसी पे। ऑपरेटर को पता है कि ये फ्रीक्वेंसी तो बिलासपुर में इस जगह पे है, तो वो जहां से कॉल करेगा वहां के टावर से, जहां पे तुम हो वहां के टावर पे क्या करेगा, और फिर वहां से चारों तरफ क्या करेगा, अपनी फ्रीक्वेंसी बिखेर देगा। जैसे ही तुम्हारा मोबाइल उस फ्रीक्वेंसी के करस्पॉन्डिंग आएगा क्या हो जाएगा, रेजोनेंस हो जाएगा। क्या हो जाएगा? और तुम्हारे मोबाइल के अंदर करंट क्या हो जाएगी, और करंट सर्किट क्या हो जाएगी, एक्टिवेट। सोचो उस करंट के करस्पॉन्डिंग सर्किट क्या हो जाएगी, यही बताता हूं, वो एक अगला लेवल है। तो यानी वो करंट के लिए सर्किट क्या हो जाएगी, और सर्किट जब एक्टिवेट हो जाएगी तो वो मोबाइल उसको डीमॉड्यूलेट करके तुम्हें आवाज देगी। समझ में आया सबको क्या होता है? Yes, थोड़ा थोड़ा आया? Yes, sir. अब इनका जो क्वेश्चन था कि उस पर्टिकुलर मैक्सिमम पे एक्टिवेट होना, जैसे 92.7 है तो मेरा मोबाइल 92.7 पे एक्टिवेट होगा। इसका मतलब ये है कि जब मैं ट्यून करूंगा तो 92.7 से थोड़ा ज़्यादा निकल गया, 92.7 से थोड़ा कम हो गया, पता चला ट्यून करें एक घंटा, नहीं हो सकता ना ऐसा,
अरे मतलब एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी पे ही क्या होगा, एक्टिवेट होगा, तो एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी को लाना पड़ेगा ना, नहीं तो क्या हो जाएगा, थोड़ा आगे निकल जाएगा तो आवाज़ करना बंद हो जाएगा, कोई और पकड़ लेगा स्टेशन, और कम कर देंगे तो कोई और स्टेशन, एग्जैक्टली वहाँ पे आए इसके लिए थोड़ी मुश्किल है ना, एकदम एग्जैक्ट मैच कराना मुश्किल है ना थोड़ा। अरे बोलो तो फिर हम कहते हैं कि फिर ऐसा करते हैं कि एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी की बजाय, एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी बस यही पढ़ना है, अगला टॉपिक वही है, एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी की बजाय ध्यान से एक लाइन काम खत्म, एक लाइन काम खत्म, एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी की बजाय उस पूरे रेंज में मेरा सर्किट एक्टिवेट हो जाएगा, उस पूरे रेंज में, इस पूरे रेंज में मेरा सर्किट एक्टिवेट हो जाएगा, जिस रेंज में जो पीक करंट है, क्या है पीक करंट, वो मैक्सिमम पीक करंट का आरएमएस वैल्यू होगी। सुना क्या समय, यानी सर्किट की प्रॉपर्टी क्या सेट कर दी, एग्जैक्टली पीक करंट होगा तब एक्टिवेट हो, जरूरी नहीं है, पीक करंट जो है, पीक करंट की जो मैक्सिमम वैल्यू है उसके 1/√2 टाइम से ज्यादा करंट होगा तो क्या हो जाएगा, तो ऐसे में ध्यान से सुनो बच्चों, लास्ट चैप्टर भी तैयार हो रहा है, कम्युनिकेशन भी यही, समझ गए, ऐसे में अब एक फ्रीक्वेंसी की बजाय एक रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसी होगी ओमेगा 1 लेके ओमेगा 2 तक, रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसी होगी ना, उस रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसी में अगर फ्रीक्वेंसी आई तो मेरा सर्किट क्या हो जाएगा, एक्टिवेट। अरे बोलो इसको क्या कहते हैं, बहुत फेमस, बहुत बीच में 4-5 साल बहुत चला ये, बैंडविड्थ, क्या कहते हैं इसको, कहते हैं बैंडविड्थ, 2G 3G 4G याद आया, ये बैंडविड्थ है। इसका मतलब ये हुआ कि हर सिम की एक फ्रीक्वेंसी नहीं है, क्या है, बैंडविड्थ है, वो रीजन बहुत पतला है लेकिन बैंडविड्थ है। सुना के सबने, अब बताओ ध्यान से, गलती नहीं करना, गलती नहीं करना, सोच समझ के जवाब देना लॉजिकली, अगर मेरी फ्रीक्वेंसी, मतलब एक जो मेरा सर्किट है उसका ये है ग्राफ और एक और सर्किट है उसका ये ग्राफ है, दो टाइप का ग्राफ है, ये हमारा पीक है, किसका पीक है, पीक का मैक्सिमम, और ये उसका क्या है, आरएमएस वैल्यू, आरएमएस वैल्यू मतलब हाफ पावर करंट, क्या है ये, ये मैक्सिमम पावर है ना, और आई बाय रूट टू के लिए पावर क्या हो जाएगा, 1/2 होता है ना, तो ये हाफ पावर फ्रीक्वेंसी कहलाती है, W1 W2 क्या कहलाएगी, तो हाफ पावर फ्रीक्वेंसी करेस्पॉन्डिंग जो डिफरेंस है, गैप है, उसको बैंडविड्थ कहते हैं, तो बैंडविड्थ का डिफरेंस क्या है, रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसी करेस्पॉन्ड टू हाफ पावर, हाफ पावर, समझ गए, मैक्सिमम पावर का हाफ पावर। अच्छा तो ये आई नॉट क्या, मैक्स का बाई रूट टू, अरे तो समझे, उस कंडीशन में ये फ्रीक्वेंसी का बैंडविड्थ इतना आया, आया कि नहीं, ओमेगा 1 माइनस ओमेगा 2, गलती नहीं करना, गलती नहीं करना, तो समझ के जवाब देना, ये सर्किट अच्छी है कि ये सर्किट अच्छी है, आराम से सोच समझ के, अगर नीचे वाले अच्छे तो क्यों, ऊपर वाले अच्छे तो क्यों, सोच के देखो, इसलिए गड़बड़ है क्योंकि पता चला एक साथ रायपुर बिलासपुर भिलाई सब गाना सुन रहे हैं एक साथ, तो समझ में है, यानी मैं तुम्हारे जो फोन मुझे किया उसकी भी आवाज सुन रहा हूँ, जो मेरे बगल वाला उसका भी आवाज सुन रहा हूँ, अरे एक साथ कई आवाज आ सकती है ना, बैंडविड्थ के कारण, इतने बैंडविड्थ में पता चला, इतने बैंडविड्थ में पता चला कि एक फ्रीक्वेंसी नहीं 10 फ्रीक्वेंसी घूम रही है, सब आवाज सुनाई दे रही मेरे पास, नहीं होता है कभी कभी आवाज सुन रहे हैं, हाँ बोलो हेलो हेलो, जैसे समझ गए, यानी वो क्या हो जाता है, मार जाता है, दो फ्रीक्वेंसी एक साथ सुनाई देने लगती है, मेरा सर्किट एक्टिवेट हो जाता है, यानी मेरा बैंडविड्थ इतना है जिसमें दो फ्रीक्वेंसी आ गई एक साथ, वो समझ में आया, पॉसिबिलिटी कम है ना, रीजन कम है तो, अरे बोलो, तो इसका मतलब ये क्या है, ये साफ तो सापने साफ रेजोनेंस, सुना क्या सबने, इसको क्या कहते हैं, क्वालिटी फैक्टर, और भी क्या कहते हैं, क्वालिटी फैक्टर, तो इसका क्वालिटी फैक्टर ज्यादा है, इसका क्वालिटी फैक्टर कम है, सुना कि नहीं सबने, पहले हम लोगों के टाइम पे जब कॉलेज में थे तो उस समय
हमेशा ये होता था, एक रेडियो रेडियो सुनने की कोशिश करो उसी में आवाज़ इधर से उधर आती रहती है, समझ गए। टीवी भी चलाते थे उसमें भी पता चला टीवी चल रही है बगल में बीच में गाना आ रहा है, रेडियो पकड़ रहा है उसे टीवी में। ये बहुत होता था, बहुत मतलब बहुत। और इसका इंपॉर्टेंस मतलब क्यों बहुत होता था मैं ऐसे बता दूं, फ्रेशर फंक्शन होता है ना कॉलेज का, फ्रेशर फंक्शन, उसमें दो परफॉर्मेंस जो थी हमारे कॉलेज में वो इसी पे थी। क्या कि दो चैनल अगर आपस में मर्ज हो जाए तो कैसी बातें होती है, कॉमेडी, समझ गया किस बात क्यों होती थी उस समय इतना, दो क्यों हो गई, समझ में आया। yes, ये इसका मतलब उस समय बहुत ही कॉमन था, अब नहीं है। क्यों? धीरे धीरे क्वालिटी अच्छी बनती होती चली जा रही है और रेंज कम होती चली जा रही है, सही है। अच्छा पहला पॉइंट। दूसरा, ये अगर हमारा सर्किट ऐसा है तो उसका फायदा क्या है भाई? एयरटेल ने 2G 3G 4G सब खरीदा है, तो एक्चुअली क्या है, फ्रिक्वेंसी की रेंज है ना ऐसे। ये अपर रेंज किसके पास है? आर्मी के पास है। किसके पास है? उसके पास, उसके बाद 5G 4G ज़्यादा फ्रिक्वेंसी, कम फ्रिक्वेंसी, 3G 2G समझ गए, 1G TV रेडियो AM FM AM घर वाला माइक्रोवेव, नहीं माइक्रोवेव थोड़ा ऊपर ही रहता है, समझ गए। सबकी अपनी फ्रिक्वेंसी रेंज है, तो ये फ्रिक्वेंसी रेंज यानी ये जो कौन सी है मोबाइल की फ्रिक्वेंसी रेंज है उसमें ये एयरटेल ने खरीद लिया है, ये वोडाफोन ने खरीद लिया है, ये BSNL के पास है, ये है, समझ गए। yes, सब ने ये फ्रिक्वेंसी रेंज खरीदा है। तो जो फ्रिक्वेंसी रेंज ये खरीदा है, जैसे 92.7 ने क्या किया होगा, ये फ्रिक्वेंसी बैंडविड्थ खरीदा होगा ना। yes, और उसी में पूरी दुनिया में गाने सुना रहे हैं। yes, तो ये खरीदा जाता है, ये 2G 3G घोटाला भाई है। शुरू में क्या हुआ था, ये 2G का जितना था उसे फ्री में बांट दिया गया, बेचा नहीं गया। अब 3G 4G सब जो है क्या हो रहा है, बिक रहा है, तो इसीलिए कहा जाता है कि 2G को क्या किया, फ्री में बांट दिया, इतना हजार करोड़ का घोटाला कर दिया कांग्रेस ने, समझ गया मैं क्या बोल रहा हूँ, वो यही। तो क्यों घोटाले का मतलब समझ में आया क्या हुआ, कि जो बैंडविड्थ था वो सबको फ्री में बांट दिया गया। कैसे फ्री में बांट दिया गया, अपने दोस्त को बता दिया गया, देखो यार कल टेंडर निकल रहा है तुम देख लेना, और कल जैसे 5 बजे टेंडर बंद होना था, 4:45 निकाल के 5 बजे बंद कर दिया टेंडर ऑक्शन। और पहले पैसे वाला नहीं था, पहले आओ पहले पाओ वाला था, समझ गए। मान लो मुझे 92 से लेके 93 मेगाहर्ट्ज़ की फ्रिक्वेंसी बेचनी नहीं है बांटनी है, तो बांटनी है तो अपने दोस्त को बता दिया यूनिटेक वाले को कि भैया कल 3:45 पे टेंडर खुलेगा और 4 बजे बंद हो जाएगा, देख लेना। किसको बताया, केवल अपने दोस्त। तो 3:45 पे खुला और 4 बजे क्या हो गया, बंद हो गया। तो जो पहले से बना के रखा था मुझे ये टेंडर चाहिए उसको क्या हो गया, पहले आओ पहले पाओ, उसको मिल गया। और जिसको नहीं पता तो वो 15 मिनट बना लेगा क्या, समझ गया मैं क्या बोल रहा हूँ। अगर नहीं पता उस किसी को कि ये होने वाला है तो क्या करेगा, वो तो इंतजार करेगा, पता भी चला तो भी नहीं कर पाएगा, 15 मिनट में क्या करेगा, समझ गए। तो नेट पर सर्च मारोगे अगर पढ़ोगे तो ये सब तुम्हें पता चलेगा कि ये पहले हुआ था, इसीलिए लोग कहते हैं कि ये घोटाला है। बहुत लोग क्या कहते हैं, घोटाला नहीं है। क्यों कहते हैं? क्योंकि उस समय बिकता नहीं था ये, अब बिकने लगा है, अरे समझे। तो क्या बोल रहे हैं बाकी लोग, घोटाला कहाँ है, बिकता है नहीं। और ये लोग कह रहे हैं घोटाला नहीं है तो फिर क्या करोगे, सबको बताना चाहिए था ना, 15 मिनट में कौन सा टेंडर, समझ में आने क्या कहा। yes, तो इस टाइप की छोटी छोटी जो भी, तो तुम्हें क्या समझ में आया कि क्या ये 2G 3G घोटाला है। yes, तो वो बैंडविड्थ बेचना या किसी को दे देना, फ्री ऑफ कॉस्ट दे देना, उस टाइप वाला भी है। तो फ्री ऑफ कॉस्ट भी देना तो वो उसमें भी बहुत ज़्यादा ट्रांसपेरेंसी नहीं रही, इसलिए वो सब घोटाला घोटाला जो भी है। सबको समझ में आ गया। अब तो ये पतला है तो क्या है, क्वालिटी अच्छी है, उसको कहते हैं क्वालिटी फैक्टर, सही है। तो हम क्या पढ़ने जा रहे हैं अब आगे, हम ये पढ़ने जा रहे हैं ओमेगा एट रेजोनेंस, ओमेगा एट रेजोनेंस अपॉन 2 डेल्टा ओमेगा, इसको कहते हैं क्यू फैक्टर, क्वालिटी फैक्टर। कुछ समझ में आया, क्या कहते हैं इसको, क्वालिटी फैक्टर। बस यही हमें निकालना है, और हमें जो निकालना है उसका एक डेरिवेशन है जिसको तुम चाहो तो मैं करा दूं, ना चाहो तो छोड़ दूं। और इसकी वैल्यू आती है 1/R√L/C, ये रटना होता है फॉर्मूला। एक और फॉर्मूला होता है, तो ये भी फॉर्मूला है, ये भी फॉर्मूला है, और एक और फॉर्मूला है क्या,
पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस एक्सेल और एक्सी एट रेजोनेंस, एट रेजोनेंस ओवर पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस आर। कुछ समझा पाया हूं? सुनो फिर से, पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस एक्सेल और एक्सी जब रेजोनेंस हो रहा है तब दोनों का इक्वल हो जाएगा ना, तो एक्सेल के क्रॉस लो या एक्सी के क्रॉस, समझ गए? अपॉन पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस आर, इसका रेशियो भी क्वालिटी फैक्टर कहलाता है, समझ गए? तो क्वालिटी फैक्टर का एक फॉर्मूला, दो फॉर्मूला, तीन फॉर्मूला, तीन फॉर्मूला से कोई भी आ सकता है। एक इसका डेरिवेशन है, यानी इससे ये डिराइव करना कि ये इसके बराबर कैसे, एक डेरिवेशन है, मैं थोड़ा सा बता देता हूँ, आने के चांसेस बहुत कम है क्योंकि थोड़ा जल्दी डेरिवेशन है और बाइनल सिरो में लगेगा, बता दूंगा, लेकिन पहले ये नोट कर लो। तुम समझ गए क्या पढ़ने जा रहे हैं? टॉपिक क्या है हमारा? क्वालिटी फैक्टर और शार्पनेस ऑफ रेजोनेंस, नोट करिए। सीरीज है ना, अरे सीरीज है ना, सॉल्व करोगे तो वही आ जाएगा, ओमेगा की वैल्यू 1 बाय एलसी रख देना तो वही आ जाएगा। बात नहीं बच्चों, तो इसका मतलब हमें वो फ्रीक्वेंसी चाहिए, ये डिफरेंस ऑफ फ्रीक्वेंसी ही तो है, डिफरेंस ऑफ फ्रीक्वेंसी, हमें वो फ्रीक्वेंसी चाहिए जो हाफ पावर के करस्पॉन्ड है, यही ना, हाफ ऑफ पीक पावर के करस्पॉन्ड है। मैं थोड़ा सा बता देता हूँ, बाकी तुमका लेना है ना, उतना जरूरत नहीं है, फिर भी कहाँ से आया एक बार रिपीट करना समझाना, ठीक है? देखो बच्चों, इधर देखो, इधर देखो, सब लोग इधर ध्यान देते देखेंगे, अगर ये ओमेगा आर है तो ये कौन है? ये ना, यस यस, और ये वाला क्या होगा? ओमेगा आर प्लस ओमेगा आर, सही है ना? यस। वैसे थोड़ी सी दिक्कत है इसमें, ये सही नहीं है, सही ना, लेकिन फिर भी अप्रोक्सीमेशन में एक बार लेके हम लोग चलते हैं, सही। एक्चुअली इससे दोनों को जोड़ दोगे तो ओमेगा वन प्लस ओमेगा टू बाई टू हो जाएगा ना ओमेगा आर, अगर तुम इसको ऐसा लिख दोगे तो दोनों का सम बाई टू हो जाएगा ना ओमेगा आर, ये गलत। कहने का मतलब ये ग्राफ सिमेट्रिक नहीं है, ये ग्राफ सिमेट्रिक नहीं, समझ गए? ग्राफ सिमेट्रिक नहीं है, एक जैसा नहीं है, ऐसा नहीं है कि दोनों तरफ एक सिमेट्रिक है, तो ये थोड़ा गलत गड़बड़ है, भले हम लेके सॉल्व करते हैं, समझ गए? ये लेके सॉल्व करते हैं लेकिन सिमेट्रिक नहीं है, तो एक तरह से सिंपल करने के लिए कर लेते हैं, सही। तो हम दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं, बल्कि दूसरे तरीके से मैं करा देता हूँ, छोड़ो। ये बताओ ये जो आई पीक है कि जो वैल्यू है वो कितनी होती है? V नॉट बाई जेड होती है ना, V नॉट बाई होगी ना, बोलते जाना फटाफट फटाफट, लेकिन हमें क्या चाहिए, तो होती है ना, तो वी हैव टू फाइंड फ्रीक्वेंसी करस्पॉन्ड टू हाफ ऑफ मैक्सिमम पावर, यही ना बच्चों, दैट इज फॉर आई नॉट इक्वल टू आई नॉट मैक्स बाई रूट टू। चेक करो हमें कौन से करंट के करस्पॉन्डिंग चाहिए, आई नॉट मैक्स बाई रूट टू, ये समझ में आ रहा है ना? देन ये जो करंट है वो इतनी होनी चाहिए, होनी चाहिए बच्चों, यहाँ पे आर कॉमन ले लो, वी नॉट आर कॉमन लो, क्या बचेगा? होगा कि नहीं,
ये कौन है? क्या है? क्या है? कौन है वो? तो आई नॉट मैक्स, आई नॉट मैक्स से क्या हो जाएगा? तो ये जो बचेगा वो इसके बराबर होगा? Yes. इसका मतलब ये अंदर वाली चीज 2 के बराबर होगी? Yes. यानी 1 प्लस एक्सएल माइनस सी बराबर है ना? तो एक्सएल माइनस एक्सी सीधा आर कह सकते हैं? Yes. प्लस माइनस दोनों क्यों? क्योंकि अंडर कोई दिक्कत है? ये XL क्या है? ओमेगा है। XC क्या है? इक्वल टू प्लस माइनस कोई दिक्कत है क्या? अरे XL क्या है? अरे मान लो ये ओमेगा 1 है और ये ओमेगा 2 है, तो उसको ओमेगा बोल दो। क्या बोल दिया उसको मैंने? तो ये समझ में आ रहा है? एलसीएम लो। ये क्या कर रहा हूँ? ओमेगा एल है ना? तो ओमेगा स्क्वायर एल सी माइनस इक्वल टू क्या? सही है? कोई गलती तो नहीं है? अच्छा एक तरफ ले आओ, सही प्रोडक्ट ऑफ रूट कितना है? बोलो बोलो 1/2 यही ना? बस यही दिक्कत, कहीं से गड़बड़ी एक आ रही है जो माइनस आ रहा है, समझ नहीं आ रहा कहाँ से। समझ गए? ये दिक्कत कहाँ से आ रही, पहले भी आ चुकी है, लेकिन वैल्यू सही है। ये माइनस नहीं आना चाहिए। मुझे नहीं समझ में आ रहा, पिछली बार भी डेरिवेशन किया तो वहाँ पे रायपुर में तो कहाँ गड़बड़ी आ गई थी, नहीं समझ में देख लेना माइनस, देखते हैं उसको समझ लेंगे। लेकिन अभी ये जो वैल्यू आई वो ये है। ये कौन है? ओमेगा आर का स्क्वायर। इसका मतलब कि ओमेगा 1 इनटू ओमेगा 2 वैल्यू न्यूमेरिकली किसके बराबर होगा? ओमेगा आर स्क्वायर के बराबर होगा कि नहीं? तो मैंने यहाँ पे क्या कहा था, ओमेगा 1 प्लस ओमेगा 2 बाई 2 ओमेगा आर के बराबर। यानी यहाँ से ऐसा लग रहा है जैसे एल्जेब्रिक मीन है। क्या है? जबकि एक्चुअल में क्या है? ज्योमेट्रिकल मीन है। तो तुम बस यही याद रखो, बस इसीलिए डेरिवेशन कराया कि ये एक रिजल्ट तुम्हें बताओ। यानी ओमेगा 1 प्लस ओमेगा 2 बाई 2 नहीं है, सिमेट्रिक नहीं है वो, कर्व सिमेट्रिक बल्कि वो ओमेगा 1 और ओमेगा 2 का क्या है? ज्योमेट्रिकल मीन। अरे बोलो, ओमेगा 1 और ओमेगा 2 का क्या है वो? ज्योमेट्रिकल मीन मतलब ओमेगा 1 इनटू ओमेगा 2 बाई मतलब का रूट। समझ गए? एक तो रिजल्ट ये आ गया। अब यहीं से तुम डिफरेंस ऑफ रूट निकाल दो। डिफरेंस ऑफ रूट निकालने के लिए क्या होगा? सम ऑफ रूट का होल स्क्वायर माइनस 4 ओमेगा 1 ओमेगा 2, यही ना? इसको सॉल्व करोगे तो वही आ जाएगा क्या? 1 बाई आर, ये डेल्टा ओमेगा ना? नहीं, यहां से सॉल्व करोगे तो वही क्या आ जाएगा? ओमेगा आर बाई डेल्टा ओमेगा की वैल्यू आ जाएगी। समझ गए मैं क्या बोल रहा हूँ? डिफरेंस ऑफ रूट आ गया। डिफरेंस ऑफ रूट को उल्टा कर दो तो डेल्टा ओमेगा आ जाएगा ना? पर यही कौन है? 2 डेल्टा ओमेगा। ये पूरा कौन है? 2 डेल्टा ओमेगा। कौन है ये? 2 डेल्टा ओमेगा। तो 2 डेल्टा ओमेगा की वैल्यू पता है और ये ओमेगा आर के टर्म में आएगा। किसके टर्म में आएगा? ओमेगा आर के टर्म में आने का मतलब समझ में आ गया ना? अरे बोलो, तुम नोट करना चाहो तो कर लो, वहां पे सॉल्व करना चाहो तो हम कर देते हैं। सम ऑफ रूट बताएगा कोई? आर बाई माइनस 4 ओमेगा आर, यानी रूट एल सी ना? कही है सम ऑफ रूट बताओ। सम ऑफ रूट, सम ऑफ रूट कौन बताएगा? आर बाई, हाँ ठीक है, आर बाई एल है ना, का होल स्क्वायर ना, माइनस 4 प्रोडक्ट ऑफ रूट, रूट कितना है? मतलब रूट 1 बाई एल सी। कोई दिक्कत है क्या? बोला
हो जाएगा आधार हमारे एलसी। दिक्कत हो रही है बच्चों, एक बार देखो रूट में आएगा ना, हमें डिफरेंस ऑफ रूट चाहिए। गलती हो रही है, समझ नहीं आ रही कैलकुलेशन। जो निकल लिखा था हम लोगों ने ये आएगा डेल्टा, मतलब ओमेगा एट रेजोनेंस अपॉन डेल्टा ओमेगा इक्वल डेल्टा ओमेगा, ये पूरे को ले लिया था हमने, इसलिए 1/r√l/c आना चाहिए। ये तो आ रहा है, उधर वाला क्यों नहीं आ रहा, समझ नहीं आ रहा। 1 माइनस होने के बाद दूसरे मेथड से आता है मुझे, लेकिन इस मेथड से भी तो आना चाहिए ना। अभी ओमेगा की जगह पे ओमेगा प्लस डेल्टा ओमेगा रख के सॉल्व कर लोगे तो डेल्टा आ जाएगा बाइनरी थ्योरम से। कौन सा, कहीं तो कोई दिक्कत दिख रही है, समझ नहीं आ रहा, पहले भी एक बार गड़बड़ हो चुका है। चलो मैं दूसरे मेथड से कर रहा हूँ, लेकिन इस मेथड से भी होना चाहिए, पता नहीं। इधर इधर ये ओमेगा को हम ले सकते हैं, ले सकते हैं। यस सर।
और ये 1/z छोड़ दो, ये ओमेगा को लिख सकते हैं ओमेगा आर प्लस डेल्टा ओमेगा होल की पावर माइनस वन, लिख सकते हैं इक्वल टू प्लस माइनस आर, सही है। ओमेगा आर कॉमन ले लो, 1 प्लस डेल्टा ओमेगा अपॉन ओमेगा इन टू एल 1/c, ओमेगा आर कॉमन ले लो, माइनस वन आएगा 1 अपॉन ओमेगा आ जाएगा क्योंकि पावर माइनस वन है ना, 1 प्लस डेल्टा ओमेगा अपॉन ओमेगा आ जाएगा इक्वल टू प्लस माइनस आर। अरे को समझ में आ रहा है, ओमेगा आर की वैल्यू क्या होती है 1 बाय रूट एल सी, तो ओमेगा आर की वैल्यू 1 बाय रूट एल सी होती है, रूट से रूट कट के बचेगा एल बाई सी अंडर रूट बचेगा कुछ अप्रॉक्सिमेशन, असल में यहाँ हो जाता है इसीलिए दिक्कत है, वहाँ पे अप्रॉक्सिमेशन कर नहीं पा रहे। ओमेगा आर की वैल्यू 1 बाय रूट एल सी होती है, ये भी कट के एल बाई सी ही होगा अंडर रूट, चेक करो, अरे 1 बाय रूट एल सी एल ऊपर जाएगा तो यही होगा और ये बचेगा माइनस वन पावर है ना, वन माइनस डेल्टा ओमेगा अपॉन ओमेगा, ये बायलॉजी रूल लग गया ना, यही उसमें नहीं लग रहा, इसलिए कुछ गड़बड़ हो रहा है, इक्वल टू ये बायलॉजी रूल जो लग जा रहा है ना इसमें वो वहां पे नहीं लग पा रहा, इसलिए दिक्कत, सही। अब क्या है ये दोनों कॉमन ले लें और ये वन प्लस इतना है और माइनस ये है, वन से वन और ये दोनों अपना काम बन गया, यही तो चाहिए था ना, इक्वल टू कितना कुछ समझ में आया, तो ये चाहिए हमें ओमेगा आर अपॉन टू डेल्टा ओमेगा, यही चाहिए ना, तो ओमेगा एट आर ओमेगा आर अपॉन टू डेल्टा ओमेगा कितना आएगा बच्चों, वन बाई आर प्लस माइनस रूट एल बाई सी, ये तो मुझे पता है लेकिन वो क्यों नहीं आ रहा था कहीं, वही जैसे इसमें हमने क्या किया, ये अप्रोक्सीमेशन किया ना, अप्रोक्सीमेशन किया मतलब बैलेंसर में लगाया तो अप्रोक्सीमेशन किया, उसमें अप्रोक्सीमेशन नहीं कर रहे इसलिए कुछ कचड़ा हो जा रहा है, समझ गए, तो चलो ऐसे ही सॉल्व करना, ये तो मुझे पता था लेकिन पता नहीं कहाँ फंस जाता है, वो दो बार कोशिश कर चुका हूँ, दो बार फ्लॉप वहाँ पे भी किया था वहाँ भी फ्लॉप हो गया, और मुझे जो नहीं आता हाथ अपने आप उसको लिख देता है कि करो, ये बात सुनता ही नहीं है, सुनो यहाँ पे क्या ले लिया है, ये ओमेगा आर, यानी ये ओमेगा आर और ये कौन होगा सोचो, ये पूरा कितना है टू डेल्टा ओमेगा, पूरा कितना है तो ये कितना होगा ओमेगा आर प्लस डेल्टा ओमेगा ना बच्चा, आगे आ रहे तो जाओगे, और ये वाला कितना होगा, और हमें ये ओमेगा की वैल्यू तो रख रहे हैं तो तुम माइनस रखो या प्लस, तो क्या रखोगे आधा, ये वाला रखोगे डेल्टा ओमेगा है ना, और ये जो आ रहा है वो डिफरेंस ऑफ रूट आ रहा है, यानी ओमेगा 1 माइनस ओमेगा 2 आ रहा है, वो डायरेक्टली डेल्टा 2 डेल्टा ओमेगा आ रहा है, समझ गए, इतना कचरा नहीं समझना, गलत नहीं हो जाना, मतलब यहाँ पे जो हम रख रहे हैं वो ओमेगा आर प्लस डेल्टा ओमेगा लिख रहे हैं, जबकि इससे पहले वाले में जो कर रहे थे वो सीधा डिफरेंस ऑफ रूट आ रहा था, दैट इज ओमेगा 1 माइनस ओमेगा 2 डायरेक्ट आ रहा था, इसलिए वहां पे 2 लिखने की जरूरत नहीं है, डेरिवेशन है इस बुक में दिया हुआ है एनसीईआरटी में, आने अभी तक आया नहीं है, चांस कम है, रटना है वो रिजल्ट, तीन रिजल्ट बताया था, ओमेगा आर अपॉन टू डेल्टा ओमेगा शार्पनेस ऑफ रेजोनेंस, दूसरा क्या वन बाई आर रूट एल बाई सी, और तीसरा क्या पोटेंशियल अक्रॉस एक्सएल और एक्सी ओवर पोटेंशियल अक्रॉस आर, तीनों रटा होना चाहिए, तीनों में से कोई ना कोई आता ही है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से थियोरेटिकली पिछले 4 साल में देखोगे तो 2 साल आया हुआ है एग्जाम्स में, ये इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, कोई ट्राई करके देख लेना अगर ये क्या दिक्कत है, क्यों गड़बड़ हो रहा है, होना तो नहीं चाहिए, वो जो माइनस आ रहा तो वो केवल माइनस तब नहीं आएगा जब यहां पे क्या आएगा प्लस, और यहां प्लस कभी आ ही नहीं सकता, मतलब मैथमेटिकली तो नहीं आ सकता, पता नहीं क्या दिक्कत है।
हाँ दिक्कत पहले भी फंस चुका हूँ। चलिए कोई दिक्कत नहीं, अरे ज़्यादा टेंशन मत रहा, मतलब जो समझ गया ना मैं चाहता तो इसी को कर देता क्योंकि मुझे पता था कि मुझे आता है सही। वो वाला एक बार चाह रहा था एक बार और ट्राई कर ले, एक बार वहाँ पे किया था तो कोई दिक्कत हो गई थी तो सोचा यहाँ पे शायद हो जाए, अभी भी नहीं हो फिर देखना पड़ेगा एक इसी क्लास में। LC oscillation हो गया ना, देखिए सुनेंगे। ये एक कैपेसिटर है, उसको फुल चार्ज करके बैटरी अलग से लगा सकते हो तुम चाहो तो चार्ज करने के लिए। पहले फुल चार्ज कर दिया और फिर इस बैटरी को डिस्कनेक्ट कर दिया और इसको कनेक्ट कर दिया, समझ में आया? तो ये फुल चार्ज करके इंडक्टर से क्या कर दिया, जोड़ दिया, समझ गए? फुल चार्ज करके इंडक्टर के साथ क्या कर दिया, जोड़ दिया। तो ऐसे में क्या होगा, तो किसी टाइम पे अगर मैं किरचॉफ्स का घूमू तो क्यू बाई सी माइनस माइनस डी आई एल डी आई डी क्यू माइनस क्यू बच्चों करंट कम हो रहा है, मस्ट बी इक्वल टू करंट क्या हो रहा है, कोई दिक्कत? या दूसरे वर्ड्स में कहें तो करंट कम हो रहा है इधर से आगे बढ़ने पोटेंशियल प्लस होगा, बढ़ेगा करंट कम होता है तो वो खुद खींचता है ना, चलो चलो आओ नहीं चले, तो वो यहाँ से यहाँ तक जाने में एनर्जी खुद बढ़ाएगा, यानी एनर्जी ड्रॉप ना करके एनर्जी बढ़ाएगा। बताया था मैंने इंडक्टर में बताया था दो चीज, करंट घटता है तो पोटेंशियल ड्रॉप पॉजिटिव होता है और करंट बढ़ता है तो पोटेंशियल ड्रॉप नेगेटिव होता है, बताया था ना? यहाँ करंट क्या हो रहा है, घट रहा है ना, पोटेंशियल ड्रॉप क्या हो रहा है, पॉजिटिव सपोर्ट करेगा, समझ गए? यहाँ से डी आई बाई डी टी इक्वल टू 1 by LC Q माइनस में हो जाएगा ना। ये डी आई बाई टी कौन है, आई कौन है, डी टी बाई टी, ये कहीं देखा है, कोई देखा है सर? कंडीशन फॉर SHF डिस्प्लेसमेंट का डबल डिफरेंशियल यानी एक्सेलरेशन डिस्प्लेसमेंट के माइनस साइन होता है, वैसे ही चार्ज का डबल डिफरेंशियल चार्ज के प्रोपोर्शनल है, इसका मतलब कि यहां पे चार्ज ऑसिलेशन करेगा, ऑसिलेट करेगा, वहां पे कौन करता है, पोजीशन है ना, यहां पे कौन ऑसिलेट करेगा, चार्ज, इसका मतलब यहां से पक्का है कि चार्ज विल ऑसिलेट, इसलिए इसका नाम है LC ऑसिलेशन, चार्ज ऑसिलेट करता है कैपेसिटर से इंडक्टर के इंडक्टर से कैपेसिटर। पहला पॉइंट समझ में आया, विद फ्रीक्वेंसी, कितनी फ्रीक्वेंसी है, 1 बाय रूट एलसी, ओमेगा स्क्वायर है ना, तो कितनी फ्रीक्वेंसी होगी, 1 बाय रूट एलसी। तो पहला रिजल्ट समझ में आया कि ये क्या पढ़ने जा रहे हैं हम लोग, यस सर। एक तो ये हो गया, अब दूसरा ये होता क्यों है, तो एक एक करके देखो। शुरू में कैपेसिटर पूरी एनर्जी के साथ है, उसके पास पूरी एनर्जी फुल है, और तुमने की जैसे ही ऑन किया कैपेसिटर कह रहा है कि मेरे पास एनर्जी है मैं तुम्हें करंट दूंगा, तो कैपेसिटर अपना करंट फ्लो करेगा, लेकिन ऐसा करते समय इंडक्टर क्या कह रहा है, अपोज करेगा, अपोज करेगा, कहेगा कहां चले आ रहे हो,
रहेगा ना, कहाँ चले आ रहे हो? Yes, तो क्या वो मान जाएगा? नहीं, पावर तो उसी के पास है ना। Yes, तो वो अपनी करंट फ्लो कराएगा, इसके अपोज करने के बावजूद वो फ्लो कराएगा। तो अपोज करने के लिए ये क्या करेगा? एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा, पता है ना। अपोजिट डायरेक्शन में करंट प्रोड्यूस करेगा, अपोजिट डायरेक्शन में करंट प्रोड्यूस करने का मतलब अपोजिट डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा। तो अपोजिट डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा, करेगा कि नहीं? जिसके कारण, और वो करेगा कहाँ से? इसी के कॉस्ट पे ना। अरे इसके पास अपनी एनर्जी है क्या? उसी की एनर्जी खा जाएगा। अरे कुछ समझे? यही कहो कि वो इसके अपोजिशन के अगेंस्ट काम करेगा, तो उसकी अपनी एनर्जी खर्च होगी और वो इसके अंदर मैटिक एनर्जी के फॉर्म में स्टोर होगी। तो समझा पाया? इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक दो तीन, एक दो तीन, छः से तीन हो गया, यानी आधी एनर्जी खर्च हो गया करंट फ्लो कराने अपोजिशन के अगेंस्ट, होगा कि नहीं? तो क्या अब ये मान जाएगा कि चलो यार बहुत कर लिया, अब रहने दो? नहीं ना, कहेगा ना कि ये जाओ अपना करंट फ्लो कराता है। सुना क्या सबने? और ये खाली हो जाएगा और सारी एनर्जी किसके पास आ जाएगी? इंडक्टर के पास आ जाएगी। देख गया? अरे बोलो। अब ये सारी एनर्जी इसके पास है और ये तो जिद्दी है। क्या है ये? उसकी एनर्जी खत्म हो गई, वो बोला अब बस मेरा काम पूरा, काम खत्म, मेरा काम, मैं घर जा रहा हूँ। क्या ये बोलेगा? अभी तक फ्लो करा रहे थे, लगे रहो। अरे बोलेगा नहीं ये? क्यों? अभी तक तो मना कर रहे थे, तू मान ही नहीं रहे थे, और अब मेरे पास एनर्जी है, चुपचाप काम करते रहो। तो अब ये उसे चार्ज करेगा, ये कहेगा उसको चुपचाप करंट फ्लो कराते रहो। वो कहेगा मेरे पास तो कुछ है ही नहीं भाई, कहाँ से चार्ज फ्लो कराऊं? तो ये कहेगा मैं बताता हूँ। तो ये इसके पॉजिटिव चार्ज खत्म होने के बाद भी पॉजिटिव चार्ज को खींचा जाएगा, और जब पॉजिटिव चार्ज खींचा जाएगा तो यहाँ पे क्या डेवलप हो जाएगा? हाँ, तो अभी तो ये फुल है ना। उसके बाद अगले स्टेप में क्या होगा? पॉजिटिव चार्ज खींचते खींचते इसको क्या कर देगा? लेकिन ये किसके कॉस्ट पे हुआ? क्योंकि इसके पास एनर्जी थी, वो खुद ही फ्लो करा पा रहा था, ये इसने खींचा। अरे कुछ समझे? इस चक्कर में इसको अपनी कुछ एनर्जी खर्च करनी पड़ गई और ये फिर से कमजोर हो गया जैसा ये था, हुआ कि नहीं? तो मान जाएगा क्या ये? तो जब तक मेरी जान है तब तक तुम्हें काम तो इसके अंदर जब तक जान रहेगी तब तक उससे काम करा रहे। तो थोड़ी देर में क्या होगा? फिर कैपेसिटर चार्ज हो। कुछ समझ में आ रहा है? कैपेसिटर फुली चार्ज हो जाएगा, डिस्चार्ज हो जाएगा। हाँ, चार्ज हो जाएगा, फुली चार्ज हो जाएगा। और चार्ज होने का तरीका दिख रहा है? अब इंडक्टर से बस ये जैसा ये था वैसे ये है, बस क्या हो गया? पलट गया, हुआ कि नहीं? तो ये कौन सी सिचुएशन हुई? ये सिचुएशन हो गई। अरे कैपेसिटर पहले से डिस्चार्ज था, अरे इंडक्टर अभी भी डिस्चार्ज है कि नहीं? और अगर कैपेसिटर के बेसिस पे देखोगे तो यहाँ से हो रहा है, कैपेसिटर फुली चार्ज था, अभी फुली चार्ज है। ये कैपेसिटर से देखोगे तो ऐसा है, इंडक्टर से देखोगे तो ऐसा है, अरे है कि नहीं? इसके बाद क्या होगा? उल्टा चलने लगेगा। अरे तो समझे? क्या चलेगी? उल्टा चलेगी। कोई दिक्कत है क्या? और ये चलता रहेगा, चलता रहेगा। क्या सबको क्लियर हो गया कि क्या करना है? तो अब ये तो हो गया तुम्हारा, ये हो गया मैथ, ये हो गया वर्किंग, और एक हो गया क्या, किसी इंस्टेंट पे अगर इस पे टोटल चार्ज कैपिटल क्यू है तो जो टोटल चार्ज क्यू स्क्वायर बाय 2c एनर्जी क्रिएट करेगा वही किसी भी टाइम पे हाफ एल आई स्क्वायर। इंडक्टर की एनर्जी हाफ एल आई स्क्वायर, किसकी एनर्जी? इंडक्टर की। किसकी एनर्जी है? की एनर्जी प्लस किसी इंस्टेंट पे कैपेसिटर की एनर्जी, कि सब के बराबर होगा। अरे कुछ समझे? अरे टोटल एनर्जी दो पार्ट में बटेगा, कुछ इंडक्टर कुछ कैपेसिटर। जब भी क्वेश्चन बनेगा इसी से बनेगा, समझ गए? अगर मैं बोलता हूं कि इंडक्टर की एनर्जी कैपेसिटर की एनर्जी का तीन गुना है, तो इसका मतलब ये है कि अगर ये ई है तो ये थ्री, समझ गए? इक्वल टू क्यू स्क्वायर बाय टू सी, उसे ई आ जाएगा। और ये आ जाएगा तो इस पर चार्ज पूछेगा तो चार्ज आ जाएगा, ऐसा क्वेश्चन बनता है, समझ गए? तो ये एक अलग से इंपॉर्टेंट पॉइंट। तो ये कौन है? एलसी ऑसिलेशन। चैप्टर खत्म है, एक्सेप्ट
थोड़ी सी और बात सुन लो, एसी यूज क्यों करते हैं? एसी यूज क्यों करते हैं अभी तक पढ़ने के बाद क्या समझ में आया? जल्दी से थ्योरेटिकल है, जल्दी करो, टाइम खत्म हो गया मेरा। एसी में रेजिस्टेंस के अलावा बाकी दो भी काम करते हैं एलिमेंट्स, और वो एनर्जी को खाते नहीं। समझ गए? वो एनर्जी को खाते नहीं। और एनर्जी को जब खाते नहीं तो एनर्जी को, देखो पंखे को जितना करंट चाहिए वो तो हमारी मजबूरी को उतना करंट देंगे, नहीं समझे? हम क्या दे रहे हैं? सोर्स, सोर्स से सप्लाई कितनी मिल रही है? 220 वोल्ट मिल रही है, लेकिन हमारा पंखा जो है अलग करंट पे चलता है, ट्यूबलाइट अलग करंट पे चलती है, कुछ भी एसी अलग करंट पे चलती है, तो करंट अलग अलग चाहिए। तो सोर्स वही है, करंट अलग अलग चाहिए, तो क्या हमें, हमारे हाथ में क्या है कंट्रोल करने के लिए? क्या है? जेड। कौन है ये? जेड जेड जेड, अरे इम्पीडेंस। कौन है हमारे हाथ में? अब पंखे को चाहिए 1 एम्पियर, तो हम इतना इम्पीडेंस लगाएंगे, जेड लगाएंगे कि उसको करंट कितना मिले? 1 एम्पियर। अगर इसको चाहिए 0.1 एम्पियर, तो इसका मतलब हम इतना जेड लगाएंगे इसको कितना मिले? 0.1 एम्पियर। एसी को चाहिए 5 एम्पियर, तो पता चला कि हम इतना जेड लगाएंगे कि उसको क्या मिले? 5 एम्पियर। कुछ समझा पा रहा हूँ? तो जेड कौन कंट्रोल करेगा? हम। समझ गए? जेड कौन कंट्रोल करेगा? हम। यानी करंट किसको कितना चाहिए उसको देने के लिए डीसी में केवल और केवल कौन है? रेजिस्टर। डीसी में कौन है? और वो दिक्कत उसके साथ ये है कि वो कंट्रोल करते तो खाता है, लेकिन एसी में हमारे पास कौन है? इंडक्टर और कैपेसिटर भी है, इसका मतलब कंट्रोल भी करेगा और खाएगा भी नहीं, इसलिए हम डीसी को यूज करते हैं। समझ में आया? डीसी वेरिएबल है, इसलिए ट्रांसफार्मर यूज कर सकते हैं इसमें, क्योंकि ट्रांसफार्मर किस प्रिंसिपल पे काम करता है? फ्लक्स चेंज पे और म्यूचुअल इंडक्टेंस पे। किस पे? क्या डीसी में फ्लक्स चेंज करा सकते हैं? वो तो कॉन्स्टेंट हो जाएगा, फ्लक्स चेंज नहीं होगा तो इंड्यूस ईएमएफ काम खत्म, मतलब इंड्यूस पोटेंशियल काम खत्म हो जाएगा। यानी डीसी में हम ट्रांसफार्मर यूज नहीं कर सकते, और नहीं कर सकते इसलिए पोटेंशियल को बढ़ा या घटा, सुना कि नहीं सबने? एसी में हम पोटेंशियल को बढ़ा घटा सकते हैं क्योंकि फ्लक्स यूज करते हैं। कैसे बढ़ाते घटाते हैं वो ट्रांसफार्मर में, 10 मिनट का टॉपिक। समझ गए? क्लियर है सबको? अगर होगा तो लास्ट में मैं 10 मिनट पढ़ा दूंगा, सही है? आखिरी के सर से बात करके वो खत्म हो जाएगा। सबको समझ में आया क्या फायदा है? तो ये हो गया हमारा डीसी यूज। अच्छा, डीसी चलती कहाँ पे? सरफेस पे। डीसी कहाँ चलती है? अरे एसी, एसी कहाँ चलती है? वायर के सरफेस पे। और डीसी कहाँ चलती है? कोर में। वो देखो कितना मोटा तार है वो, जो बैटरी को किससे जुड़ा हुआ है? नहीं, वो इन्वर्टर से। बैटरी को इन्वर्टर से जोड़ने वाला जो तार है वो हमेशा बहुत मोटा होगा, क्रॉस सेक्शन बहुत ज़्यादा होगा, क्योंकि वो कहाँ चलती है? डीसी क्रॉस सेक्शन से। डीसी कहाँ चलती है? जबकि वायर जो एसी का है वो देखो बहुत सारे वायर से मिलके बना है, पतले पतले बहुत से वायर से, बहुत सारे वायर से बढ़ने से क्या होगा? सरफेस को बढ़ा दिया गया, सरफेस को बढ़ाने से रेजिस्टेंस कम हो जाता है, और रेजिस्टेंस कम हो जाता है तो लॉस कम होता है। जबकि तार को मोटा करोगे तो लॉस, अगर डीसी चलाते तो मुझे तार को मोटा रखना पड़ता, और मोटा तार रखने का मतलब ये हुआ कि ज़्यादा खर्चा। अब पतले पतले वायर से बनाओ और एक मोटा वायर बनाओ, तो इतने मोटे वायर से इतना पतला पतला वायर बन जाएगा, बनेगा कि नहीं? तो पतले वायर सरफेस प्रोड्यूस करना ज़्यादा आसान है, वॉल्यूम तो मटेरियल चाहिए, यानी अब इतना कॉपर वायर चाहिए होता था पागल हो जाते आदमी, समझ गए? इसलिए डीसी में खर्चा भी ज़्यादा है ट्रांसमिशन में। समझ गए? अच्छा, सबसे अच्छी बात है कि ट्रांसफार्मर में पोटेंशियल को बढ़ा देते हैं, पोटेंशियल क्या कर देते हैं? और करंट को क्या कर देते हैं? कम। करंट को कम करने से लॉस कम हो जाता है, इसलिए जब एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर करते हैं, पता चला कि यहाँ से रायपुर ट्रांसफर करना है तो मुझे करंट को एकदम कम कर देना है, पोटेंशियल को बढ़ा देना है, और ये यूज होगा किसका, किसके हेल्प से? ट्रांसफार्मर के। यानी ट्रांसफार्मर के हेल्प से पोटेंशियल को बढ़ा देते हैं, करंट को क्या कर देते हैं? कम। करंट को कम करने से I²R से क्या लॉस कम हो जाता है? ट्रांसमिशन लॉस कम हो जाता है। डीसी में हम करंट को कम नहीं कर पाते, लॉस भयंकर हो जाता। तुम्हें समझ में क्या फायदा? डीसी का फायदा क्या है? इलेक्ट्रोप्लेटिंग, वो सब तुम केमिस्ट्री में जानते हो। क्लियर है सबको? तो एसी क्यों फायदेमंद है? क्लियर हो गया? अरे बोलो। लेकिन एसी खतरनाक ज्यादा क्यों है? 220 वोल्ट का मतलब 220√2 वोल्ट, 311। 220 क्या है उसका आरएमएस वैल्यू, पीक वैल्यू कितनी है? हाँ, तो आदमी तो मरेगा तगड़े वाले थप्पड़ से ना, धीरे धीरे रोज मारो एक थप्पड़ जड़ दो तो क्या होगा? निपट जाएगा, नहीं समझे? अरे 220 ये जो चल रहा है उस खतरनाक ये थोड़ी है, क्या खतरनाक है? तो पीक वैल्यू कितनी है? 311। अरे मतलब 220√2। कुछ समझ में आया? ये भी है, लेकिन सबसे कम वाला भी खतरनाक क्यों है? एसी में क्या होता है, एसी में क्या होता है कि हमारा एसी में करंट वेरिएबल है ना, और हमारे शरीर के लिए
एक तो अगर हर्ट करने की बात आए तो कौन ज़्यादा खतरनाक, 311। हर्ट करने मतलब उड़ा दिया, झटका दे दिया, समझ गए, हाथ लगा एकदम हिल गया, ऐसा लगा कि हाथ उखड़ गया, वो है 311। और दूसरा है कि एसी लगते ही मेरे दिमाग के सिग्नल्स जो कि इलेक्ट्रिकल सिग्नल है, और एसी का मीन छोटी वैल्यू, एसी की छोटी वैल्यू, एसी कौन सी वैल्यू, छोटी वैल्यू, समझ में आ रही है, ये वाली बड़ी वाली नहीं, छोटी वैल्यू, वो सिग्नल और ये सिग्नल दोनों क्या हो गए, ओवरलैप हो गए, ओवरलैप हो गए। तो मैंने अपने दिमाग से अपने हाथ को या अपनी बॉडी को कोई सिग्नल दे ही नहीं पा रहा हूँ, क्यों, क्योंकि डीसी ने कचरा कर दिया, वो सिग्नल जाने से रोक दिया, क्योंकि दूसरे सिग्नल्स आ गए ना। तो मैं जैसे ही मुझे झटका मतलब एसी से करंट लगेगा, वैसे मेरा दिमाग बंद हो जाएगा, क्या हो रहा है पता नहीं, समझ में आया। तो आदमी एसी से क्यों मरता है ज़्यादा पता है, समझ में आ गया, डीसी से नहीं मरता, डीसी से क्यों नहीं मरता, डीसी से मरेगा तो झटका लगेगा, अगर ज़्यादा करंट होगा तो झटका लगेगा, जल जाएगा, मरने के लिए क्या जरूरी है, दिमाग बंद हो गया। और अब मैंने क्या हुआ, कभी भी ऐसे छुआ अचानक तार में छू गया, छूते ही दिमाग काम करना बंद कर दिया, तो हटा ही नहीं सकते, मैं देख रहा हूँ लेकिन हटा नहीं रहा हूँ, क्यों, दिमाग ने दिया ही नहीं हाथ को, था भाई, अरे कुछ समझे, इसीलिए कोई भी इलेक्ट्रीशियन काम करते हुए नहीं मरता, कब मरता है वो पोल वाला अलग है, वो दूसरा है, वो कह के आता है कि भैया इलेक्ट्रिसिटी 5 बजे तक बंद रहेगी, ऑन मत करना, कोई 4:30 बजे ऑन कर दिया झूला हुआ तार पे, वो अलग है। किसी घर में इलेक्ट्रीशियन काम करते हुए नहीं मरता, घर में लोग नॉर्मली उनके साथ हो जाते कैजुअलिटी, क्यों पता चला ऐसे घूमते हुए अचानक ऐसे किए किसी तार में टच हो गया, और हमारे दिमाग को हिदायत नहीं है कि हटाओ हटो, देखो किसी इलेक्ट्रीशियन को काम करते हुए देखोगे और कोई बच्चा धीरे से हाँ कर देगा तो कूद जाएगा वो, समझ गए, होता है कि नहीं ऐसा, किसी इलेक्ट्रीशियन को काम करते हुए धीरे से मानना वो कूद के नीचे आ जाएगा, क्यों होगा ऐसा, क्योंकि वो अपने दिमाग को पहले से ही उसने हिदायत दे रखी है कि कुछ गड़बड़ हुआ तो कूदो, इसलिए वो नहीं मरता। नॉर्मल आदमी क्यों मर जाता है, कुछ दिया ही नहीं रहता समझ में दिक्कत कहाँ है, नहीं तो इतनी बड़ी भैंस सींग में तार फंस जाता है, वो चाहे तो पूरा पोल उखाड़ दे, तार को कम है कि नहीं, इतनी बड़ी भैंस जो रहती है एक पोल को, पोल से जो तार नीचे गिरा रहता है ऐसे छोटा सा, जैसे उसके कहीं फंस हो जाता है गले वले में या सींग में, वो चुपचाप खड़ी हो जाती है, बस हिलती डुलती रहती है, मैंने देखा है ऐसे ऐसे हिलती डुलती रहती है, जबकि वो इतनी ताकत है उसके अंदर कि वो खींचे तो पोल भी लेके चली जाए, है कि नहीं, तो भी नहीं बच पाती, क्यों, कहेगा कौन कि कूदो भागो, कहीं नहीं रहते। तो मानने के लिए समझ गए कौन जिम्मेदार, क्यों जिम्मेदार, एसी का कौन सी वैल्यू, छोटी वैल्यू, वैल्यू समझ गए, और हर्ट करने के लिए, जलने के लिए कौन जिम्मेदार, समझा पाए हो।